आज हम बनाएंगे मकड़ी का ड्राइंग, स्पाइडर ड्राइंग। तो उसके लिए हम सबसे पहले ब्रांच बनाते हैं। ब्रांच के ऊपर एक मकड़ी का जाला लगाएं, ऐसा हम दिखाने वाले हैं। ब्रांच बना रहे हैं। ब्रांच बनाते समय ऊपर का पार्ट थोड़ा सा पतला होता है और यहाँ पे कुछ पत्तियाँ लीव ड्रॉ कर लेते हैं। नीचे साइड भी एक ब्रांच बना लेते हैं। हम पेड़ भी बना सकते हैं और मकड़ी का जाला कहीं पे भी हो सकता है, घर के अंदर बाहर। तो हमने दो ब्रांच बनाई और ब्रांच के ऊपर मकड़ी का जाला बनाने वाले हैं। जो लीफ रहेंगी बड़ी बड़ी सी ड्रॉ करना है और उसमें यदि फ्लावर्स ड्रॉ करना है तो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे हम ओवल शेप टाइप से एक शेप ड्रॉ करते हैं, अंडाकृति वाला, और फेस बना लेते हैं। यहाँ पे हम उसकी आँख भी बना लेंगे और उसके पैर ड्रॉ कर लेते हैं। जो प्रत्येक टांग होंगी उसमें 7 जोड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 3 से 4 ही जोड़े बनाए हैं, ऐसे अलग अलग पार्ट में दिखाया। 6 पैर बना रहे, 6 भी हो सकते, 8 भी हो सकते, इस टाइप से। और थोड़ा कार्टून फॉर्म है इसलिए इस टाइप से हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक मकड़ी पकड़ने जा रही है एक इंसेक्ट को, ऐसा हम दिखा रहे। तो यहाँ पे एक विंग्स ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ उसकी बॉडी। अब हम उसका वेब बनाएंगे। तो जो पेड़ बनाया है उससे ज्वाइन करते हुए ऐसी लाइंस ड्रॉ करना है, स्लांटिंग, सेंटर पॉइंट पकड़ के करना है। जो मकड़ी है वो सेंटर में है और यहाँ से हम ऐसे कर्व करते हुए ज्वाइन करते हैं। बम्पटी शेप में करना है, लाइट लाइट ड्रॉ करना है। इसके अंदर भी कुछ पार्ट बना लेते हैं। ये जो स्पाइडर ड्राइंग है ये कार्टून फॉर्म में है, तो इसीलिए हमने इसकी बॉडी इस टाइप से बनाया है। अब यहाँ पे हम जो वेब बना रहे उसको बुन लेते हैं इस टाइप से। बुनते चलना है, ज्वाइंट करना है बम्पटी शेप में। पेंसिल को बहुत प्रेशर नहीं देना है, हल्के हाथ से चलाना है, क्योंकि हम वाटर कलर करने वाले हैं इसलिए लाइट लाइट शेड होना चाहिए। बैकग्राउंड का थीम हम हमारे मनपसंद हिसाब से ले सकते हैं, जैसा हम नीचे ग्रास ड्रॉ करें, अदरवाइज यहाँ पे और भी कुछ ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर सकते हैं। पूरा ड्रॉ हो जाने के बाद उसे इरेज करना है हल्के हल्के हाथ से, बहुत प्रेशर से नहीं। वाटर कलर है इसका यूज करेंगे, टिश्यू पेपर है, ब्रश है पॉइंट वाले, और क्लीन वाटर है। सबसे पहले हम पूरे ड्राइंग को वॉश कर लेते हैं अच्छे से, क्योंकि हम बैकग्राउंड में कलर एक दूसरे में मिक्स भी करना है, इसलिए ज़्यादा पानी हो गया तो टिश्यू पेपर से ठीक कर लेना है, नहीं तो 5 मिनट सूखने देना है। अब सूखने के बाद जो ब्रांच बनाई है, ब्रांच में हम लाइट ब्राउन डार्क ब्राउन की शेड यूज़ कर सकते, या फिर हमें और भी हमारे मनपसंद कलर करना है तो भी हम कर सकते। हम यहाँ पर येलो ऑकर, क्रोम येलो, लेमन येलो, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन, ब्रंट अम्बर शेड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइट शेड करना है, लाइट हो जाने के बाद मिडल शेड करना है, जैसा कि अभी लाइट कर लिया, नीचे मिडल कर लिया, फिर हम उसे मर्ज कर लेते हैं। फिर ये ड्राई हो जाएगा, इसके बाद हम डार्क शेड भी करेंगे। ब्रश किस टाइप से पकड़ के रखा है वो भी ध्यान देना है, पॉइंट से काम करना है। 8 नंबर ब्रश से बहुत अच्छे से हम कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा डिटेल करना है तो छोटे पॉइंट के ब्रश, बड़ा काम करना है तो बड़े नंबर का ब्रश। इसी टाइप से हम पूरा डिटेल कर लेते हैं। जो लीफ है उसमें लाइट ग्रीन का शेड कर सकते हैं, फिर वो ड्राई हो जाने के बाद उसमें हम मिडल शेड लगा के उसे मिक्स कर सकते हैं, और इस टाइप से पूरी लीफ कर लेना है। लीफ हो जाने के बाद अब स्पाइडर की बॉडी में हम लेमन येलो और थोड़ा ऑरेंज रेड शेड का यूज करके बॉडी में कलरिंग कर सकते हैं। कार्टून फॉर्म में इसलिए इस टाइप से हम कलरिंग कर लेते हैं उसके लेग में भी और उसके बॉडी में। पूरा अच्छे से कलरिंग हो जाने के बाद उसे ड्राई होने देंगे। ड्राई हो जाने के बाद उसके बॉडी के ऊपर
डार्क ब्राउन शेड से लाइंस बनाएगी। जो इंसेक्ट बनाया उसमें भी उसी टाइप से कलरिंग करते, यहाँ पे पूरा इस टाइप से अच्छे से कलरिंग कर लेने का है। लाइट लाइट सूखने देना है फिर कलरिंग करना है, ये भी चीज़ें ध्यान देना है। जो पैर बनाए उसमें हम डार्क ब्राउन शेड का यूज़ कर सकते हैं। और ये हो जाने के बाद जो मकड़ी का जाल है वो हम डायरेक्ट पेन से भी कलरिंग कर सकते हैं, या पेन से नहीं करना है तो ब्रश के से भी कर सकते हैं पॉइंट वाले। अब हम बैकग्राउंड में लाइट ब्लू शेड अच्छे से पूरा का पूरा भर लेते हैं। नीचे जो ग्रास है उसमें भी लेमन येलो, क्रोम येलो के शेड यूज़ कर सकते हैं, सैप ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऐसे पर्शियन ब्लू शेड मिक्स करके ऐसे शेड बनाना है और कलरिंग करना है। फ्लावर्स को मनचाहा कलर कर सकते हैं। पूरा ड्राइंग हो जाने के बाद हम ब्लैक पेन से आउटलाइन कर लेते हैं। जो स्पाइडर बनाया है, जो मकड़ी बनाया है, उससे स्टार्ट करते हैं आउटलाइन करना। हमारे पास जो भी ब्लैक पेन होगा उसका यूज़ कर सकते हैं। उसके पैरों को भी अच्छे से कलरिंग करना है, इस टाइप से, चेक्स टाइप से। उसकी जो टांगे होती है बड़ी बड़ी सी होती है। पूरे ड्राइंग को हम ब्लैक पेन से आउटलाइन कर लेंगे तो इस टाइप से हम एक सुंदर सा स्पाइडर मकड़ी का ड्राइंग बना सकते। आपको वाटर कलर पेंटिंग कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।